ये कर क्या रही है? माँ माँ मैं तो बस टीका लगा रही थी। ये क्या तिलक विलक लगा रही है? सन्यासी बनना है क्या? इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराई तेरी, इतना पाल पोस के भड़ा किया तेरे को ये सन्यासी बनने के लिए। माँ टीका लगाने में और सन्यासी बनने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए जैसे कि ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, इसीलिए टीका होता है जो कि ये सिंबलाइज करता है कि मैं कृष्णा की सर्वेंट हूँ। इसमें सन्यासी बनने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हो गया अब तेरा, चल पढ़ाई करने निकल, चलो पढ़ने। हे कृष्णा क्या होगा मेरा। शुक्र है पढ़ रही है, शुक्र है। ये क्या पढ़ रही है? बस रहने दे, समझती हूँ। ब्रेन वॉश कर दिया इस कौन वालों ने तेरा। माँ माँ जैसे ठीक है अभी से आप बॉडी वॉश ब्रेन वॉश ही कह रहे हो, बट ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम हर रोज नहाते हैं और हमारी रोज जैसे हम बॉडी को वॉश करते हैं, नहाकर हमारी सारी की सारी बॉडी की गंदगी को हम दूर करते हैं, उसी तरीके से फिर इस्कॉन के सारे भक्तों के साथ एसोसिएट होकर उनके साथ मिलजुल कर उनसे सीख कर उन्होंने हाँ मेरा ब्रेन वॉश किया है। यानी मेरे दिमाग में जितनी भी गंदगी बैठी हुई थी, भरी हुई थी बचपन से लेकर अभी तक के, वो सब कुछ उन्होंने साफ किया है। तो हाँ एक तरह से देखा जाए तो ये ब्रेन वॉश ही है। हे भगवान, हर चीज का जवाब है इस लड़की के पास। जुबान लगाना तो कोई तेरे से सीखे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान है नहीं तेरा, और ये आत्म साक्षात की किताबें पढ़ने निकली है। पढ़ ले थोड़ा, पढ़ ले, जीवन बन जाएगा कुछ तेरा, पढ़ ले। माँ तो फिर आप चाहते हो क्या कि मैं भी मेरे फ्री टाइम में मेरे बाकी फ्रेंड्स के जैसे पार्टीज करूँ, क्लबिंग करूँ, जाके डांस पार्टीज अटेंड करूँ? ये तो उससे बेटर है ना। आई मीन स्टडी करना, बैठ के पढ़ना, दिस इज लॉट मच बेटर देन जस्ट पार्टीज एंड क्लब्स। चुप कर जा, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ मत कर, चुपचाप पढ़ाई कर। ये तेरी कोई उम्र नहीं है भक्ति भुक्ति करने की। मैं किताब लेके जा रही हूँ, किताब दे मुझे। माँ मेरी किताब है कृष्णा। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी भक्त बने, पर हम क्या करते हैं, हम उनको फिलोसफिकली समझाना शुरू कर देते हैं, फिलोसफिकल ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, पर ऐसे वो भक्त नहीं बनेंगे। हम उनके लिए अभी छोटे से बच्चे हैं, चाहे हम जितना मर्जी बड़े हो जाएं, पर हम रहेंगे तो उनके लिए बच्चे ही ना। तो इसलिए हमें फिलोसफिकल ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी हम उनपे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो हमारी बिल्कुल सुनेंगे भी नहीं। मतलब हम उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए हम जिन पेरेंट्स ने हमें बचपन से देखा है, जब हम इतने छोटे छोटे से थे तब से लेकर अभी तक, और शायद उनसे ज्यादा अच्छा हम और कोई नहीं समझ सकता। और जब हम उनसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके आगे फिलोसफिकल ज्ञान उन्हें देने की कोशिश करते हैं, तब चीजें वो काम नहीं करती। और अगर हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आइए आगे देखिए कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। फिर बेटा ये किसकी फोटो है? बहुत ही सुंदर फोटो है ये तो नरसिम्हा भगवान की पिक्चर है। इस लीला में नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यप को वध करते हैं। ये भी बिल्कुल आप ही के जैसा था। ये अपने बच्चों को फोर्स करता थे कि ये भगवान की भक्ति ना करे। अब आपको पता है प्रहलाद महाराज जितने एग्जॉल्टेड वैष्णव थे, ये उन्हें रोकते थे। ये बिल्कुल आप ही के नलायक, ये सिखाया जाता है क्या तेरी भक्ति में? ऐसे बात करते हैं माँ बाप से? यही शिक्षा मिलती है क्या इस कौन में? हरे कृष्णा, तो देखा आपने कैसे हम अपने बिहेवियर के कारण भक्तों की इमेज गलत सेट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स आगे भक्ति नहीं कर रहे होते, और हम क्या है उनको और भक्तों से और दूर ले जाते हैं अपने बिहेवियर के कारण। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना आचरण पे ध्यान दें। हम अपने पेरेंट्स को अपनी बातों से नहीं समझा सकते या फिलोसफिकली नहीं समझा सकते, पर अगर हम अपना आचरण बदले तो वो धीरे धीरे जरूर बदलेंगे। जब वो देखेंगे कि हमारा गुस्सा कम हो रहा है, हम टॉलरेट कर रहे हैं हर सिचुएशन को, चाहे वो हम पे जितना मर्जी गुस्सा करे, हम बैलेंस कर रहे हैं, हम अपनी स्टडीज पे भी फोकस कर रहे हैं, तो फिर वो देखेंगे कि इसमें चेंज आ रहा है, तो चेंज इस कौन के कारण आ रहा है, तो वो आएंगे भक्ति करने। हमें टाइम देना है उन्हें और अपने आचरण पे काम करना है, ना कि उनको फिलोसफिकल ज्ञान देना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। Tava kripa hale more more katha
शुदा हवे सुनिया सपरा शोक दुख जे गुची भे न चाओ न चाओ प्रभु न चाओ से म